हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं माई प्लस एडवाइस। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कि आपकी आंखों में अगर कोई कचरा चला गया है तो उसे किस प्रकार बहुत ही आसानी से निकालें जिससे आपकी आंखों को भी कोई नुकसान ना हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिन्हें करने के बाद इंस्टेंट आपकी आंखें साफ हो जाएंगी। अगर उसमें कचरा, धूल, मिट्टी, कण, बाल कुछ भी चला गया है वो बड़ी ही आसानी से बाहर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा नुस्खा है वो है शहद का। दोस्तों, शहद एक रामबाण औषधि है। अगर आप शहद को, जैसे हम अपनी आंखों में काजल को इस सलाई की सहायता से लगाते हैं, वैसे ही आपको शहद को एक सलाई की सहायता से अपनी आंखों का जो नीचे वाला पर्दा है उसके ऊपर लगाना है। जैसे आप काजल लगाते हैं उसी प्रकार आपको शहद की एक सलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद शहद लगेगा। जी हाँ दोस्तों, शहद आपकी आंखों में थोड़ा लगेगा, थोड़ी जलन पैदा करेगा। इससे आपको घबराना नहीं है, वो जलन सिर्फ 5-6 सेकंड की होगी और उसके बाद आपकी आंखों में से पानी निकलेगा। उस पानी के साथ आपकी आंखों का सारा कचरा बाहर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास शहद न हो तो आप दूध भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गाय का 2 बूंद दूध, जी हाँ दोस्तों, मैं दूध कह रहा हूँ, घी नहीं कह रहा, दूध की 2 बूंदें आप अपनी आंखों में डाल लीजिए, क्योंकि उसके अंदर एक ऑयली कॉन्टेंट होता है। उस ऑयली कॉन्टेंट के कारण आपकी आंखों में कोई भी अगर कचरा होगा तो वो बाहर जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो दूसरा जो उपाय है वो है कि आपको साफ पानी लेना है। जी हाँ, साफ ठंडा पानी ले सकते हैं और उसे अपने मुंह में भर लीजिए। मुंह में भरने के बाद आप अपनी आंखों को खोलकर, पूरा खोलकर छींटे मारें। मुंह का आपने गुब्बारा बना लेना है और आंखों के बीच में छींटे मारने हैं साफ पानी से, और आपके मुंह में जो पानी है उसे बाद में थूक दीजिए। इस प्रक्रिया को आप 2-3 बार अप्लाई कीजिए। एक घंटे बाद आप इसके दोहरा सकते हैं। तो ये जो दोनों नुस्खे बताए आप इन्हें कर सकते हैं अपने घर पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।